गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे 31st आलो ईस्ट के सभी निवासी और मैं हूं मिस्टर तुम्मे आमो आईपीएस, अभी यहाँ कमांडेंट सेकेंड अरुणाचल प्रदेश आर्म पुलिस बटालियन आलो में पोस्टेड है। तो मुझे ये जो 31st आलो ईस्ट आइडल के ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि ये जो ग्रैंड फिनाले के लिए जो टॉप 5 में आए हैं उन्हें आज रीड आउट करके इनका नाम बताएं। उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजर्स का प्लान था कि टॉप 10 को गांव-गांव में इनका ऑफलाइन मोड में पब्लिक के सामने इनको परफॉर्म करने देना था विथ सम सर्टेन अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स और बाकी चीज अन्य जो सोसाइटी के लिए जो सुविधा मतलब बेहतर चीज होगा उसका थोड़ा अवेयरनेस देना था। तो बिकॉज ऑफ कोविड 20 में जो हुआ था उस पर ये टॉप 10 को परफॉर्म करने नहीं दे सका, तो इसलिए उनका भी ऑनलाइन भी हुआ है। तो अभी टॉप 5 में आए हैं, 5 लोग को सिलेक्ट हुआ है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजर्स इनका लाइव परफॉर्मेंस होगा आलो में और टेंटेटिव डेट शायद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो इसके साथ ये 31st आलो ईस्ट जो आइडल का ऑर्गेनाइजर्स का तरफ से मैं जो जो इस आइडल को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको भी मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले है हमारा ऑनरेबल एमएलए केंद्र जिन साहब, उसके बाद हमारा नेक्स्ट में स्पॉन्सर है निगेल ओलेन जो जीपीएम है तादिन बस्ती के। तो और फिर केंटो जिन साहब हमारा एडवोकेट साहब फिर थर्ड प्राइज भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हमारा एमएलए साहब थोड़ा बिजी रहते हैं तो उनका साथ टाइप करके हमारे जो लाइव परफॉर्मेंस तो जो 5 का ग्रैंड फिनाले आलो में होगा। सो आप सबको इनवाइटेड है, उसमें आप जरूर आके एंजॉय कीजिएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए मैं ये 5 का नाम बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारा यहाँ पे नंबर 1 लिस्ट में है मिस्टर मार्ली लोमन और दूसरे में है सेकंड में है केगर खड़बू, थर्ड में है मार्जू मोमदिर, फोर्थ में है मार्दो आडो एंड फिफ्थ में है मिसेस नुमगम थीलोई। और इसके साथ मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो टॉप 5 में नहीं आके जो टॉप 10 से जो 5 में नहीं पहुंच सका टॉप 5 में, तो उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई कीजिएगा, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रिजेक्ट होके भी बाद में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने तो सुना है कि वो जो जुबिन जो कल आए थे उसका भी इंडियन आइडल में भी ऑडिशन में रिजेक्ट हुए थे। तो आप लोग मतलब दिल नहीं हारना है, हिम्मत बरकरार रखिएगा। उसके साथ हमारा कमिटी की ओर से और ऑर्गेनाइजर की ओर से इनका प्लान ऐसा है कि जो टॉप 5 में आए हैं और जो इसमें विनर होंगे इसको उन लोग आगे भी शायद स्पॉन्सर करने का प्लान है। जैसे हमारा अरुणाचल आइडल होता है या वेस्टर्न आइडल होता है, इवन अच्छा परफॉर्म करने से इंडियन आइडल तक भी भेजने का इनका प्लान है और हमारा एमएलए साहब का भी शायद ये प्लान है। तो मैं पढ़ाई लिखाई बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन आज के दिन में स्पोर्ट्स म्यूजिक ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सिंगिंग जो टैलेंट हंट है जो हमारा 31st आलो ईस्ट के लिए ओनली फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे एमएलए साहब ने जो स्पॉन्सर करते हुए और इनक्रेज कर रहे हैं और शायद एमएलए मैडम का ही आइडिया है ये। तो इन दोनों को एमएलए साहब को और मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। और बाकी चीज़ों में भी हम कर सकते हैं, जैसे अदर स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो जो भी हो उसमें भी हम लोग आगे करना चाहिए, लेकिन सिंगिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सिंगिंग से भी आप अच्छा करियर एंड प्रोफेशन बना सकते हैं।